सुपर कोचिंग लाया है तैयारी का गणेश सेल जहां पर आपको हर एग्जाम पर मिल रहा है अपटू सेवेंटी परसेंट ऑफ तो जल्दी से अपनी एग्जाम तैयारी का गणेश कीजिए गुड मॉर्निंग ऑल वेलकम टू टेक्स बुक बैंकिंग एंड विश यू अ वेरी हैप्पी गणेश चतुर्थी यस आज गणेश जी का आगमन होगा एंड यस सबको बहुत सारी शुभकामनाएं और यस yes, हर ब, अच्छी चीज की शुरुआत हम लोग गणेश जी के नमन से करते हैं तो इस बार भी एक प्रण लेंगे कि पढ़ाई बड़ी अच्छे तरीके से हो बिकॉज हमारी पढ़ाई अगर अच्छी रही फोकस रही तो सिलेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगा और जो भी आशीर्वाद गणपति जी के है वो हमेशा हमारे साथ रहे तो इसी मनोकामना के साथ स्टार्ट करते आज के हमारे सेशन को वंस अगेन वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल जल्दी सेशन को शेयर कर दीजिएगा लाइक भी कर दीजिए एंड विल स्टार्ट विद द करंट अफेयर्स सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इंटरनेशनल न्यूज एंड सम इंपॉर्टेंट इवेंट फ्रॉम द नेशनल सेक्शन स्पेशली फ्रॉम द इकोनॉमिक्स इन टूडेज लेक्चर सो थोड़ा इंटरनेशनल न्यूज का फोकस ज्यादा होगा बिकॉज नैदरलैंड की क्वीन इंडिया में आए हुए हैं सो विल टॉक अबाउट वाई शी केम टू इंडिया उनके अराइवल के ऊपर हमारी बात होगी देन ऑल्सो जस्ट वन से ऑल्सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द Uh, हमारी बात होगी रिगार्डिंग जी ट्वेंटी को लेके बिकॉज एजुकेशन मिनिस्टर हमारे जी ट्वेंटी के मीटिंग अटेंड करने के लिए uh, uh, वो मीटिंग अटेंड कर रहे हैं सो विल टॉक अबाउट दैट आल्सो उसके अलावा ब्लूमबर्ग की एक न्यूज आई हुई है जो आपने ऑलरेडी सोशल मीडिया पे फॉलो की होगी कि वर्ल्ड के रिच पीपल के लिस्ट में थर्ड नंबर पे अभी अदानी साहब गए हुए वहां पे भी थोड़ा डिस्कशन हमें करना पड़ेगा एंड देर आर सम अदर एंड एक्साइटिंग न्यूज विच वी आर गोइंग टू डिस्कस टुडे स्पेशली फ्रॉम द इकोनॉमिक सेक्शन सो स्टार्ट करते हैं लेक्चर को स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को पर शुरू करने से पहले गाइज गणेश चतुर्थी आज से स्टार्ट हो रही है और तैयारी का श्री गणेश ऑफर आपके लिए चल रहा है आ, बैंक एग्जाम सुपर कोचिंग का जहां पे आपको सेवेंटी टू प्लस ट्वेंटी फाइव परसेंट ऑफ मिलेगा इफ विल यूज दिस कोड तो ये कोड यूज करना मत भूलिएगा जब भी आप एनरोल करोगे सुपर कोचिंग के लिए यस सो अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर योर प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू Uh, मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को सबसे पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल न्यूज के ऊपर बात करेंगे देन विल टर्न ओवर टूवर्ड्स द इकोनॉमिक्स एंड सम नेशनल न्यूज मैं स्टार्ट करता हूं सेशन को ज्यादा वक्त ना जाया करते हुए सबसे पहली बात करेंगे नेदरलैंड की क्वीन इंडिया आई हुई है क्वीन मैग्जीमा हर नेम एंड शी केम टू इंडिया नाउ व्हाई शी टू इंडिया वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा कि वो इंडिया क्यों आए हैं नेदरलैंड की पॉलिटी कैसे वर्क करती है नेदरलैंड की जो किंग है विलियम अलेक्जेंडर किंग नेदरलैंड के अंदर किंग है विलियम अलेक्जेंडर साहब दो में वो इंडिया आए थे ंग एंड क्वीन बोथ केम टू इंडिया तो यह फोटो एक्चुअली दो हजार उन्नीस का है जब किंगजेंडर एंड द क्वीन मैग्मा द केम टू इंडिया अभी फिलहाल केवल क्वीन आई हुई है इंडिया द रीजन इज दैट वो यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल को रिप्रेजेंट करने के लिए आए हुए हैं यूनाइटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल के बिहाफ में शी केम टू इंडिया इटेड नेशन सेक्रेटरी जनरल कौन है उनका नाम एक बार कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा बड़ा फेमस नाम है और कई बार हम उन, उनके ऊपर बात कर चुके हैं सो शी केम टू इंडिया एज एन एडवोकेट ऑफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी सॉरी सेक्रेटरी जनरल द पर्पज इज फाइनेंशियल इंक्लूजन इंडिया में वित्तीय समावेशन की बातचीत करने के लिए उसे स्प्रेड करने के लिए एज अ एम्बेसटर शी केम टू इंडिया उस पर्पज के लिए वो इंडिया आए हुए है सो इट इज अ ऑफिशियल विजिट बाय द क्वीन मैक्सिमा ऑफ नैदरलैंड एंड द पर्पज इज यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो uh, गुटेरस जो सेक्रेटरी जनरल है उनके बिहाफ में इंडिया में फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वित्तीय समावेशन के पॉइंट के लिए वो इंडिया में विजिट किए हुए तो उनकी मीटिंग हुई है हमारे देश के नए प्रेसिडेंट मैम के साथ प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू मैम के साथ उनकी मीटिंग हुई अलग अलग चीजों के ऊपर डिस्कशन हुआ देखिए एग्जाम में क्वेश्चन वही आने वाला है कि वॉटसर ने फॉर वॉट पर्पज शी केम टू इंडिया ऑब्वियसली ये चीज़ पता होना बहुत जरूरी है नैदरलैंड की बात करें तो यूरो इज द करेंसी यूज बाई दिस कंट्री मैंने किंग साहब की बात की थी विलियम अलेक्सेंडर इज इज नेम जो इस कंट्री से इस कंट्री के किंग है और उन्ही की वाइफ शी केम टू इंडिया यस yes, नेदरलैंड्स की बात करते हैं तो नेदरलैंड ये आपके सामने कंट्री है यूरोपियन कंट्री एम्स्टरडैम इज द कैपिटल ऑफ नेदरलैंड्स आप यहाँ पे देख सकते हो नॉर्थ सी में आपको ये कंट्री दिख जाएगी थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यस एम्सटरडैम हेग्यू भी यहां पे है तो बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है और इंडिया के रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग है इस कंट्री का अपना खुद का हिस्ट्री भी बहुत लॉन्ग हिस्ट्री है काफी बड़ा हिस्ट्री है सो यहां पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं आ, चलो यस आप लोगों ने आंसर तो सही किया था जो क्वेश्चन मैंने आपको पूछा मैं वापस जाता हूं न्यूज की तरफ अब एक बार देख लेते हैं द प्रसन्न ऑल्सो से गवर्नमेंट इज कमिटेड टू कनेक्ट एवरी इंडियन फॉर द फॉर्मल बैंकिंग सॉरी

ऑलरेडी इंडिया in में आरबीआई uh, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए काफी बातें करती है उसको लेके एक न्यूज भी हमें थोड़ी देर से कवर करनी है आजकल बड़ी खूबसूरत सी एड्स भी आ रही है जो एड्स गवर्नमेंट आरबीआई और अलग अलग बैंकों के द्वारा हमारे सामने प्रेजेंट की जाती है कि किस तरीके से फाइनेंशियल इंक्लूजन इंपॉर्टेंट है किस तरीके से फाइनेंशियल अवेयरनेस इंपॉर्टेंट है किस तरीके से जो होने वाले फ्रॉड्स है उन फ्रॉड से बचा जाए उन सबकी जानकारी जनता के सामने रखी जाती है प्रधानमंत्री जनधन योजना के बारे में हमने कुछ दिनों पहले बात की थी आठ साल हो गए प्रधानमंत्री जनधन योजना को लॉन्च किए हुए और उसमें भी काफी अच्छा सक्सेस देखने को मिला सो वाई क्वीन केम टू इंडिया एंड शी मेट टू इंडियन प्रेसिडेंट एंड वॉट काइंड ऑफ डिस्कशन हैपन ये सारी बातें हमने यहां पे डिस्कस की हुई है ध्यान रखिए चलो नाउ uh, क्वीन मैक्सिमा इज ऑन द थ्री डे विजिट टू इंडिया जैसे मैंने कहा था द नेदरलैंड हैज बीन अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिंस 1850 फिफ्टी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब क्या होता है जैसे इंग्लैंड है इंग्लैंड इज आल्सो हैविंग कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट होता है नेदरलैंड uh, में यूके में क्वीन या किंग होते हैं रॉयल फैमिली जैसे इंडिया में प्रेसिडेंट का रोल होता है वैसे ही इन कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्कीज के अंदर ये क्वीन या किंग का रोल होता है यहां पे ऑब्वियसली किंग का रोल है इंग्लैंड में क्वीन एलिजाबेथ का रोल उस तरीके से रहेगा तो ये पॉइंट यहां पे याद रखेगा व्हेन इट कम्स टू इंडिया इंडिया वी आर हैविंग द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एज अ प्रेसिडेंट पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमारे कंट्री में भी है इस कंट्री के अंदर भी है पर वहां पे जो हेड है उनके वो एक रॉयल फैमिली से रहेंगे दूसरा नेदरलैंड इज डिस्क्राइब एज अंसोसिएशनल स्टेट इसका मतलब क्या होता है ये इंडिया के लिए भी कह सकते हैं एक ऐसा कंट्री जहां पे अलग अलग टाइप के लोग है अलग अलग जाति धर्म या रेसेस के लोग है स्टिल

डेमोक्रेसी मानी जाती है नेदरलैंड्स को ध्यान रखेगा सो किंग विलियम विलियम अलेक्जेंडर जिनका जिनकी मैं बात कर रहा था एंड क्वीन मैक्सिमा शी इज राइट नाउ इन इंडिया दैट्स द ओनली थिंग व्हिच वी शुड नो अबाउट दिस न्यूज़ बस देखिएगा कि क्वीन मैम इंडिया क्यों आई हुई है और उनके पीछे क्या रीजन है वो पता होना बहुत जरूरी है दैट इज द फर्स्ट एंड वेरी सिंपल न्यूज़ फॉर अस नाउ आगे बढ़ते हैं Union Education Minister uh, Shri Dharmendra Pradhan will be participating in the G24th Education Working Group meeting

कभी फंस मिनिस्टर की न्यूज रहेगी कभी वुमेन एंड चाइल्ड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की न्यूज रहेगी तो ये न्यूज आती रहेगी कि अलग अलग मिनिस्ट्रीज uh, के मिनिस्टर्स यहाँ पे देश को रिप्रेजेंट करेंगे जी ट्वेंटी ग्रुप ऑफ ट्वेंटी जिसमें उन्नीस कंट्रीज और एक ग्रुप आता है ग्रुप का नाम है यूरोपियन यूनियन उनका एक पूरा ग्रुप है नाइनटीन में जी को क्रिएट किया गया था इसका कोई परमानेंट ऑफिस नहीं है अलग अलग कंट्रीज में इसकी प्रेसिडेंसी एक साल की प्रेसिडेंसी होती है जैसे इस बार, तो बार ब्राजील के पास जाएगी नाउ जी में एक बड़ा खूबसूरत सा कंसेप्ट है एक्चुअली दो कंसेप्ट है ट्वेंटी के अंदर जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं पहला कंसेप्ट होता है शेरपा नाम का जो आप सबको अच्छे से पता होगा शेरपा जी ट्वेंटी शेरपा क्या होता है हर कंट्री के एक रिप्रेजेंटेटिव होते हैं जो उस कंट्री को पूरा टाइम जी ट्वेंटी में रिप्रेजेंट करेंगे तो उनको शेरपा कहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शेरपा फॉर जी ट्वेंटी या ब्राजील्स शेरपा फॉर जी ट्वेंटी शेरपा ये वर्ड नेपाल से लिया गया है. नेपाल जब माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करते हैं तो जो माउंटेनियर्स होते हैं उनको जो मदद करने वाले लोग हैं उनको शेरपा कहा जाता है तो वैसे ही जी ट्वेंटी अपने आप में एक माउंट एवरेस्ट है इनके मीटिंग्स में कंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हर कंट्री अपने एक बंदे को भेजती है उन्हें शेरपा कहा जाता है राइट right नाउ इंडिया के शेरपा कौन है तो अमिताभ कांत सर एप्सोलूटली राइट अमिताभ कांत सर अभी तक नीति आयोग के सीईओ थे

पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर ऐसे तीन लोगों का ग्रुप बनता है जिसको का कहते हैं तो ये एक दूसरे से शेयर करते हैं कि भाई हमने क्या किया था अभी इस साल क्या करना है नेक्स्ट ईयर क्या करना है अब जब नेक्स्ट ईयर इंडिया में मीटिंग रहेगी तो इंडिया प्रेजेंट पे आ जाएगा इंडोनेशिया पास्ट में जाएगा और ब्राजील फ्यूचर में जाएगा तो इसे ट्रॉयका कहते हैं इंडिया ऑलरेडी ज्वाइन द ट्रॉयका जैसे ही इंडोनेशिया के पास प्रेसिडेंसी आ गई तो इंडिया बिकम द मेंबर ऑफ ट्राइका ऑफ जी ट्वेंटी याद रखना तो पास प्रेसिडेंसी प्रेजेंट प्रेसिडेंसी एंड द फ्यूचर प्रेसिडेंसी इस तरीके से ट्राइका वाला कंसेप्ट होता है अभी का न्यूज बड़ा सिंपल है कि जी ट्वेंटी के एजुकेशन मिनिस्टर्स का मीटिंग था उसके लिए इंडिया को रिप्रेजेंट धर्मेंद्र प्रधान सर कर रहे दैट्स द वेरी सिंपल थिंग ना दो 23 में जैसे इंडिया के पास फर्स्ट ऑफ दिसंबर से ही, ही फर्स्ट तो रहेंगे एक्चुअली इसी साल हम लोग प्रेसिडेंट रहने वाले थे पर G20 के वजह से ये थोड़ा ऑर्गेनाइज करना हमारे लिए डिफिकल्ट बन रहा था तो हमने इंडोनेशिया को रिक्वेस्ट कि काम करते पहले आप बन जाइए फिर हम प्रेसिडेंट बनेंगे तो हमने म्यूचुअली उसे स्वैप करवा लिया यह भी एक पॉइंट याद रखेगा नाउ जी ट्वेंटी नाइनटीन कंट्रीज है और एक ग्रुप है जिसका नाम है यूरोपियन यूनियन आप यहां पे मैप देख सकते हो सो दीज आर द कंट्रीज विच आर मेंबर्स ऑफ जी ट्वेंटी Okay. अब यहाँ पे ये जो आपको कलर दिख रहा है ब्लू कलर में यहां पे जो कंट्रीज आपको दिख रही है स्काई ब्लू कलर में ये सारी गेस्ट कंट्रीज है इनको एज अ गेस्ट हम लोग यहाँ पे आ, बुलाते हैं इन मीटिंग्स को अटेंड करने के लिए और बाकी जो भी आपको येलो पैचेस दिख रहे हैं कंट्रीज के ऊपर वो सारे कंट्रीज जी ट्वेंटी के अंदर आती है ध्यान रखिएगा सो दिस इज द मैप फॉर यू ऑफ द जी ट्वेंटी कंट्रीज 1999 में इस ग्रुप को क्रिएट किया गया यही था इकोनॉमिक चीजों को डिस्कस करने के लिए इस ग्रुप को बनाया गया uh, इस ग्रुप में नॉर्मली मिनिस्ट्री एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं बिकॉज बेसिकली दिस ग्रुप इज क्रिएटेड फॉर द इकोनॉमिकल डिस्कशन तो हर कंट्री की फाइनेंस मिनिस्ट्री और हर कंट्री के सेंट्रल बैंक के गवर्नर जैसे इंडिया में सेंट्रल बैंक के गवर्नर शक्तिकंता दास साहब है आरबीआई गवर्नर तो वो यूजुअली मैक्सिमम मीटिंग्स को अटेंड करते हैं क्योंकि डिस्कशन वही है पर बाकी भी मिनिस्ट्रीज के डिस्कशंस को अभी धीरे धीरे ऐड किया गया है तो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जाएंगे कभी हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर जाएंगे कभी एजुकेशन मिनिस्टर जाएंगे कभी हेल्थ मिनिस्टर जाएंगे तो बाकी भी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे डिस्कस किया जाता है वर्ल्ड की इस टॉप मोस्ट ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग्स में याद रखेगा चलो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे वाली न्यूज एक्चुअली uh, <coughs> अगर न्यूज को देखो तो इंडिया के एंगल में इतनी ज्यादा प्राइम टाइम वाली न्यूज नहीं है बट स्टिल पढ़ लेते बांग्लादेश इज साइनिंग एग्रीमेंट विथ वियतनाम एंड इंडिया फॉर मीन्स बांग्लादेश इज गोइंग टू इंपोर्ट राइस फ्रॉम इंडिया एज वेल एज फ्रॉम द वियतनाम बांग्लादेश फेसिंग सम प्रॉब्लम वहां पर इंफ्लेशन काफी बढ़ गया फूड के इश्यूज काफी ज्यादा है और राइस की डिमांड बहुत ज्यादा है एंड दे 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 डोंट हैव द द इनफ राइस राइस सो डिसाइडेड टू इंपोर्ट फ्रॉम फ्रॉम वियतनाम एज 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 वेल वेल इंडिया म्यांमार और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे नहीं है द रीजन इज रोहिंग्या मुस्लिम्स आपको पता होगा अभी कुछ दिनों पहले रोहिंग्या मुस्लिम्स को लेके काफी न्यूज चल रही थी सो रोहिंग्या आर फ्रॉम दी बेसिकली फ्रॉम म्यांमार पर उनको उस कंट्री से खदेड़ा गया निकाला गया तो बांग्लादेश ने काफी सारे रोहिंग्या मुस्लिम्स को अपने कंट्री में पना दी अपने कंट्री में उनको एस्टैब्लिश करवाया और तब से म्यांमार से काफी उनके झगड़े चल रहे थे बिकॉज म्यांमार को उन्होंने कहा कि हाउ कैन यू डू दिस यूनाइटेड नेशन ने भी कहा था म्यांमार को बट ठीक है वॉट एवर एपन बट नाउ बांग्लादेश डिसाइडेड कि हम म्यांमार के साथ जो भी हमारी प्रॉब्लम है हम उसे साइड में रखते हैं और हम म्यांमार से भी राइस को इंपोर्ट करेंगे इन्फ्लेशन इकोनॉमिक्स में बड़ी खतरनाक चीज होती है आपके कितने भी बड़े क्यों ना, ना हो जब आपके कंट्री में महंगाई बढ़ जाती है तो आपको सारे झगड़े सारी आइडियोलॉजिकल चीजें साइड में रखनी पड़ती है और कुछ ना कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा और रिलेशन बनाने पड़ेंगे एग्जाम्पल आपके सामने है जैसे हम लोग कहते हैं ना भूख <coughs> एक बड़ी खतरनाक चीज होती है कि उसके सामने कुछ कंट्रोल नहीं होता ऐसे कई बार लोग कहते हैं वैसे इकोनॉमिक्स की सबसे बड़ी भूख है इन्फ्लेशन जब महंगाई किसी कंट्री के अंदर बढ़ जाएगी जब किसी कंट्री के अंदर इन्फ्लेशन आउट ऑफ कंट्रोल चला जाएगा तो गवर्नमेंट को कुछ ऐसे मेजर्स लेने पड़ते हैं जो शायद अभी तक उनके आइडियोलॉजी में फिट नहीं बैठ रहे थे और उसी का एग्जाम्पल यहाँ पे है कि जिस कंट्री से रिलेशन रखने के लिए वो मना कर रहे थे उसी कंट्री से अभी राइस इंपोर्ट करना पड़ रहा है चलो इंडिया तो हमेशा बांग्लादेश के साथ रहा है हमेशा हम उसको उनको सपोर्ट करने के लिए रेडी है तो वी आर ऑल्सो गिविंग सम राइस टू देम ऑब्वियसली हम उनको एक्सपोर्ट करेंगे यही पॉइंट यहाँ पे है uh, अभी ये तो सिंपल सी न्यूज हो गई बांग्लादेश की बात करें तो शेख हसीना जी यहाँ पे प्राइम uh, मिनिस्टर है और अगर प्रेसिडेंट साहब की बात करें तो अब्दुल हमीद साहब यहां पे प्रेसिडेंट है अब इससे ज्यादा इस न्यूज का आ, इस न्यूज का रेफरेंस लेते हुए हम कुछ और पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो मुझे आपके साथ डिस्कस करना है सबसे पहला पॉइंट कि दुनिया में सबसे ज्यादा राइस का <coughs> सबसे ज्यादा राइस मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस कौन करता है तो चाइना टॉप में आती है चाइना दे आर प्रोड्यूसिंग द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ राइस इन द वर्ल्ड सेकंड नंबर पे इंडिया आती है देन इंडोनेशिया बांग्लादेश भी है बट स्टिल दे नीड उनको रिक्वायरमेंट है एंड दैट्स वियतनाम से वो खरीदने के लिए रेडी है तो आप सोच सकते हो क्योंकि क्या हुआ चाइना चाइना के अंदर भी एक्चुअली राइस का प्रोडक्शन थोड़ा कम हो गया है यूजल के हिसाब से बिकॉज बारिश का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है एनवायरमेंट uh, का बहुत बड़ा इंपैक्ट हुआ है सेम हैपन विद द बांग्लादेश जैसे अभी पाकिस्तान में भी काफी बारिश आ गई काफी फ्लड आ गए उनके कुछ डैम्स में से पानी सडनली बहना शुरू हुआ काफी लोगों की वहां पर भी डेथ हुई है इवन आई एम एफ ऑल्सो प्रोवाइडेड सम अमाउंट ऑफ मनी टू

इंडिया में नॉर्मली ट्वेंटी राइस मिल जाते हैं बीस वेराइटीज के राइस हमारे पास है अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम होते हैं ये स्टैंडर्ड नेम्स है जो यहां पे मेंशन किए गए इसमें से बहुत सारे राइस ऐसे जिसको जीआई टैग भी दिया गया है टैग भी प्रेजेंट है तो ये कुछ एक छोटा सा इमेज दिखा जो आपके साथ शेयर किया जाए इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में सबसे ज्यादा राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट में वेस्ट बंगाल का नाम टॉप में आता है हाईएस्ट राइस प्रोड्यूसिंग स्टेट उसके बाद यूपी देन पंजाब ये कुछ स्टेट्स है जहां पे राइस प्रोडक्शन इंडिया में सबसे ज्यादा है तो राइस को लेके कुछ इंफॉर्मेशन पता होना जरूरी है बिकॉज देख आज क्वेश्चन इन द एग्जाम्स एक और पॉइंट मुझे आपके साथ डिस्कस करना है स्पेशली जिनकी नाबार्ड की एग्जाम है या आरआरबी की एग्जाम है वो लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा आपके लिए थोड़ा मैटर करेगा जस्ट डिस्कसिंग वन पॉइंट यस नाउ राइस राइस का नाम अगर मैं उसका साइंटिफिक नेम देखे तो ओरिजा सैटिवा इज अ नेम ऑफ द राइस ये राइस का नाम है इट्स काइंड ऑफ अ यस, साइंटिफिक नेम। ऐसा माना जाता है कि राइस हिमालयन रीजन में सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ था चाइना के रीजन में सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ, तो means, इंडिया और चाइना का सबसे पहला प्रोडक्शन बहुत इन्वॉल्व है पर कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि सबसे पहले राइस प्रोडक्शन ये साउथ इंडिया में स्टार्ट हुआ सो so, हिस्टोरिकली दो थे चलती है एक थेरी हिमालयन रीजन की बात करती है और एक थेरी पार्ट ऑफ इंडिया की बात करते हैं कि पूरे वर्ल्ड में सबसे पहले राइस प्रोडक्शन इसी एरिया में देखने को मिला बाद में धीरे धीरे बाकी एशियन कंट्रीज के अंदर भी राइस प्रोडक्शन का हिस्ट्री आ, काफी बड़ा है तो क्लाइमेटिक कंडीशन की बात की जाए तो <clears throat> यहाँ पे राइस कल्टीवेशन एट टू थर्टी फाइव नॉर्थ लैटिट्यूड में प्रोड्यूस किया जाता है एंड यस ट्वेंटी वन टू थर्टी सेवन डिग्री का टेम्परेचर रेंज यहाँ पे मैंशन किया गया है न्यूट्रिशनल वैल्यू बट ऑब्वियस यहाँ पे है है कार्बोहाइड्रेट्स काफ़ी प्रेजेंट होते हैं मेडिसिनल वैल्यू भी काफ़ी ज़्यादा है स्पेशली आर्थराइटिस पैरालिसिस एपिलेप्सिस के अंदर uh, इसका यूज़ काफ़ी अच्छे से किया जाता है तो ये कुछ दो चार पॉइंट हैं इस लिंक के अंदर मेंशन किए जो आपको राइस की और थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन स्पेशली आर गिविंग एग्रीकल्चर बेस्ड एग्जाम जैसे नाबार्ड के एग्जाम होती है आरआरबी के एग्जाम्स है वहां पे आप थोड़ा सा इन मामलों को या इन चीजों को थोड़ा पढ़ के जा सकते हैं आपको फायदा मिल जाएगा तो ये था बांग्लादेश को लेके न्यूज जिसमें हमने इंडिया के भी राइस प्रोडक्शन की बात कर ली कि क्या सीन चलता है चलो Uh, दोस्तों आगे और न्यूज है वहाँ जाने से पहले सुपर सुपर कोचिंग कोचिंग आपके पास है सुपर कोचिंग में यू आर गोइंग टू गेट फ्रॉम द मल्टीपल फैकल्टीज उनके वीडियो लेक्चर आपके पास रहेंगे सारे फैकल्टीज के नोट्स भी आप यहाँ पे एक ही सब्सक्रिप्शन के अंदर डाउनलोड कर सकते हो तो आपको मल्टीपल सब्सक्रिप्शन डिफरेंट फैकल्टीज के लेक्चर्स के लिए लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आपके लिए काफी इजी हो जाएगा दूसरा हमारी जो इनहाउस फैकल्टीज है वो भी आपको यहाँ पे डाउट सॉल्व करने के लिए मदद करेगी आ, तो आप उनसे भी सारी बातें कर सकते हो डाउट सॉल्व करने के लिए तो ये सारी की सारी चीज है आपको केवल 193 पर मंथ में मिल जाएगी सब्सक्रिप्शन और ये कोड यूज करना मत भूलेगा पुष्पक पी इज द नेम ऑफ द कोड ठीक है चलो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एक सबसे बड़ी न्यूज के तरफ न्यूज इज रियली वेरी बिग ना वर्ल्ड के रिच लोगों की लिस्ट में सॉरी <coughs> रिच लोगों की लिस्ट में थर्ड नंबर पे अभी गौतम अदानी साहब का नाम आता है ऑब्वियसली वर्ल्ड के रिचेस्ट लोगों की बात करें तो यहाँ पे आपके सामने यस <coughs> yes, रिचेस्ट लोगों की बात की जाए तो सबसे रिच ऑब्वियसली मस्क है टू फिफ्टी वन पॉइंट जीरो इनका uh, बिलियन सॉरी बिलियन डॉलर्स में इनका इनकम जा रहा है 153 में जेफ बेजोस है 137 में गौतम अदानी साहब है और फोर्थ नंबर पे यस बर्नर एरनोल्ट है एंड बिल गेट्स साहब पांचवे नंबर पे आते हैं तो ये वर्ल्ड के रिच लोग की लिस्ट है सो so, पहला एशियन फर्स्ट एशियन टू तो बी फीचर्ड इन द टॉप थ्री टॉप थ्री में पहले एशियन है जिनका नाम यहां पे इंक्लूड हुआ है यह कारनामा आज तक एशिया कंट्री में एशियन कंट्रीज में किसी भी राइस पर्सन ने नहीं किया जो अदानी साहब ने किया है चांसेस बहुत ज्यादा है कि बहुत जल्दी शायद ये सेकंड नंबर पे आ जाएंगे जेफ बेजोस को भी ये पीछे छोड़ सकते हैं इलॉनमस को पीछे छोड़ने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी इतना आसान नहीं रहेगा उनको पीछे छोड़ना बट स्टिल ये बिलीनियर्स की लिस्ट है एंड दिस लिस्ट इज गिवन बाय ब्लूमबर्ग यह ब्लूमबर्ग ने दी हुई लिस्ट है मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि रिच लोगों की लिस्ट तीन जगहों से आती है हरुण नाम की एक इंस्टीट्यूट है आ, फोब्स मैगजीन आपको पता होगा और ब्लूमबर्ग नाम का एक मीडिया ग्रुप है उनके तरफ से तो तीन लिस्ट अलग अलग लिस्ट आती है तो कि हर लिस्ट में शायद रैंकिंग अलग अलग हो सकती है फिलहाल ब्लूमबर्ग का लिस्ट हमारे पास है एंड अकॉर्डिंग टू ब्लूमबर्ग अदानी साहब यहां पे आ, थर्ड नंबर पे आते हैं बाकी इंडियंस की बात करें तो मुकेश अंबानी साहब ग्यारहवें नंबर पे है अजीम प्रेम जी जो विप्रो के हेड है वो फोर्टी नंबर पे है शिव नडार एच सी एल फिफ्टी फोर नंबर पे राधा कृष्ण दमानी साहब जो डीमार्ट के हेड है फिफ्टी नाइन्थ नंबर पे और लक्ष्मी मित्तल आर आर मित्तल स्टील कंपनी के हेड है नाइन्टी फोर्थ नंबर पे तो ये टॉप हंड्रेड में कुछ इंडियंस है आ, थर्ड नंबर पे अदानी साहब ग्यारहवें नंबर पे अंबानी जी अजीम प्रेम जी शिव नडार राधा कृष्ण दवानी एंड लक्ष्मी मित्तल और उनके रिस्पेक्टिव इनकम के नंबर्स uh, भी यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। देखिए एक और चीज ये जो नंबर आते हैं ये नंबर्स एवरी मंथ भी चेंज होते हैं क्वार्टरली भी चेंज होते हैं हाफ ईयरली हाफ ईयर या ईयरली uh, भी चेंज होते हैं बिकॉज इनका जो इनकम है ऑब्वियसली वो फ्लक्चुएट होते रहेगा इनके शेयर्स की वैल्यू फ्लक्चुएट होते रहेगी जहां जहां इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उन कंपनियों के शेयर मार्केट में वैल्यू चेंज होती रहती है अगर वैल्यू बढ़ गई तो ऑब्वियसली इनका आ, इनकम भी बढ़ जाएगा अगर वैल्यू कम हो गई तो इनके एसेट का वैल्यूएशन भी कम हो जाएगा जैसे जेफ बेजो साहब ने काफी सारा पैसा इस बार लूज किया बिकॉज उनके इन्वेस्टमेंट के वैल्यूएशन थोड़े कम हो गए तो ऐसा होता है और आपको पता है टॉप टेन में जितने भी लोग आते हैं ये जो रईस लोग हैं ना टॉप टेन में उसमें से केवल एक ही पर्सन है जिसका इनकम एवरी मंथ बढ़ते जा रहा है And that person is this, जिनका सबसे बड़ा फोटो है बाकी जितने भी रईस लोग इनकम कहीं ना कहीं कम हो रहे कोविड uh, का कहीं ना कहीं निगेटिव इंपैक्ट ये अभी भी भुगत रहे पर यह ऐसे है कि कोविड के बाद तो इनका इनकम बढ़ते जा रहा है इनके इन्वेस्टमेंट बढ़ते जा रहे हैं सो देर आर मल्टीपल रीजन बिहाइंड इट हम वहां पर डिस्कशन नहीं करेंगे क्योंकि वो डिस्कशन नेवर एंडिंग है याद रखेगा मैं आगे बढ़ता हूं रईसों की बात हो गई थोड़ा अब खुद के बारे में भी सोचते हैं खुद का अब पढ़ाई के बारे में भी सोचते हैं। we'll मुंजपारा महेंद्र भाई आ, कालू भाई इन्होंने रिसेंटली एक बुक रिलीज की है बुक का नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार डॉक्टर मंजूपारा महेंद्र भाई कालू भाई ये आ, लोकसभा के मेंबर है गुजरात से बिलोंग करते हैं एंड ही इज द मिनिस्टर इन आयुष मिनिस्ट्री एज वेल एज वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री दो मिनिस्ट्रीज के अंदर ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है मींस सर्बानंद सोनवाल साहब एज वेल well एज स्मृति ईरानी जी के मिनिस्ट्री में ये काम करते हैं तो इन्होंने एक बुक रिलीज की और ये बुक का नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार सूर्य नमस्कार सबको पता होगा काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सूर्य नमस्कार इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा न्यू दिल्ली तो यहां पे इस बुक को रिलीज किया गया ध्यान रखेगा सूर्य नमस्कार की पोजिस आपको यहां पे बता होगी आप में से कई लोग करते भी होंगे और करना भी चाहिए बड़ा अच्छा है ना uh, द मिनिस्टर वॉज इनवॉट एज अ चीफ गेस्ट एज अ चीफ गेस्ट उनको यहां पे बुलाया गया था और इस पूरे फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था यस uh, yes, यहां पे ध्यान रखिएगा पंचकर्मा एज वेल well एज द uh, स्वास्थ्य uh, uh, वरिता यस uh, yes, द्रव्य गुणा ये uh, आयुर्वेदा के अलग अलग डिपार्टमेंट्स है इन डिपार्टमेंट्स द्वारा इस फंक्शन को ऑर्गेनाइज किया गया था और वहीं पे इस बुक को रिलीज किया गया जो सूर्य नमस्कार के पीछे के साइंस को एक्सप्लेन करेगा नाउ वी हैव ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा हमारे पास है दिल्ली में इसको इनोग्रेट किया गया पर मोदी साहब ने वापस इसे इनग्रेट किया 2017 में अब वापस क्यों इनग्रेट किया उसका रीजन मोदी साहब को भी पूछ लेंगे पर याद रखना वैसे ये इंस्टीट्यूट दो में ही बनाया गया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा पर मोदी साहब ने 2017 में इसे वापस रिलॉन्च किया रीनॉग्रेट किया जब आप कई बार गूगल पे देखोगे तो आपको शायद केवल 17 दिखाई देगा पर ओरिजिनली दिस इंस्टीट्यूट वाज एस्टैब्लिश इन 2010 आ, ये एक पॉइंट याद रखिए बिकॉज एग्जाम में गलतियां नहीं होनी चाहिए न्यूज अ वेरी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड न्यूज नेक्स्ट न्यूज हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड द न्यूज इज फ्रॉम द एगज बैंक एक्सिम बैंक इंपोर्ट सॉरी एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक सेक्शन में डाल दीजिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्सिम बैंक की शुरुआत की और बड़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है अब ये लोग एक कंसेप्ट का शुरुआत ऑलरेडी कर चुके हैं उसी का न्यूज यहां पर उभरते सितारे याद रखिएगा ये उभरते सितारे कैंपेन है ये उभरते सितारे प्रोग्राम है जो एक्सिम बैंक चलाती है लास्ट टाइम भी टॉक अबाउट उभरते सितारे लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी उभरते सितारे को लेके कब बात हुई थी मैं आपको याद दिलाता हूं हमारी वित्तीय मंत्री हमारे फिनेंस मिनिस्टर निर्मला जी ने उभरते सितारे प्रोग्राम को लॉन्च किया था दो में 2021 में शी लॉन्च की उभरते सितारे प्रोग्राम लेके आते हैं और एग्जिम उसे इंप्लीमेंट करेगा यह भी निर्मला जी ने बताया था अब ये उभरते सितारे क्या है ऐसे एमएसएमईज ऐसी माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेस जो एक्सपोर्ट करना चाहते हैं जो ट्रेड करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए ये उभरते सितारे हैं सो so, दिस उभरते सितारे इज फॉर एमएसएमईज Those who wants to export, जिनको एक्सपोर्ट करना है है और उसी के के लिए बैंक ने, इंपोर्ट बैंक ने ये concept किया हुआ है, जिसका जिसकी starting हमारे देश फ्स मिनिस्टर द्वारा की गई थी चलो एक काम करते और थोड़ा डिटेल में देख लेते इसके बारे में यस yes, ये उभरते सितारे प्रोग्राम एक्सिम बैंक के द्वारा है यहां पर थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे देख लेते Sitare program identifies the Indian companies that are future champions with a good export potential and identified companies should have potential advantage by way of technology. प्रोडक्ट और द प्रोसेस तो ऐसी कोई भी नई कंपनी ऐसी कोई भी एमएसईमीज -E जिसका एक्सपोर्ट पोटेंशियल बड़ा अच्छा है जो नए टेक्नोलॉजी या नए आइडियाज के साथ एक्सपोर्ट करना चाहते हैं उनको सपोर्ट करने के लिए एक्जिम बैंक का ये उभरते सितारे यहां पे क्रिएट किया गया है ध्यान रखेगा तो यहां पे बैंकों से लोन प्रोवाइड करना यहाँ पे कुछ टेक्निकल सपोर्ट चाहिए होगा किसी को बिकॉज एक्सपोर्ट uh, करते वक्त बहुत सारे टेक्निकलिटीज होती है किस कंट्री को एक्सपोर्ट कर रहे हो पैकेजिंग कैसे करनी पड़ेगी उस कंट्री में ब्रांडिंग कैसे करनी है उस कंट्री में प्रॉब्लम होती है जहां पर ध्यान देना बहुत जरूरी है एंड दैट्स बैंक स्टार्टेड दिस कंसेप्ट चलो एक्सिम बैंक की बात करते जस्ट वन से गाइज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक बार देख लेते एक्सिम बैंक के की कौन कौन है यस uh, yes. एक्सिम बैंक की मैनेजिंग डायरेक्टर बंगारी मैम की बात करेंगे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर एंड द एम डी ऑफ दिस बैंक इज हर्षा बंगारी मैम ठीक है चलो आ, एक और इंफॉर्मेशन इस बैंक के बारे में डिस्कस कर ही लेते तो थोड़ा बेटर रहेगा यस yes. ये जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है नो डाउट अबाउट दैट इसका अबाउटक्टर मुंबई पे है पर इसकी ब्रांचेस अलग अलग कंट्रीज में आपको दिखाई देगी यू कैन सी द ब्रांच इन द एडिस अबाबा लंडन वॉशिंगटन डीसी ढाका यस यस सिंगापुर डिफरेंट कंट्रीज इवन इन दुबई सो इन डिफरेंट कंट्रीज दे हैव द ब्रांचेस तो किसी को भी एक्सपोर्ट करना होगा किसी भी इंडियन कंपनी को या इवन फॉरिन कंपनीज को भी एक्सपोर्ट करना होगा एंड इफ दे नीड सम सपोर्ट आइदर फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट तो एग्जिम बैंक हमेशा वो सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए रेडी होती है 1982 में इसे सेट किया गया था इसे बनाया गया था ये पॉइंट यहां पे मेंशन है तो उन्हीं का उभरते सितारे कैंपेन है याद रखिएगा जिसकी न्यूज़ चल रही है नेक्स्ट न्यूज़ अगेन फ्रॉम द फाइनेंशियल इंक्लूजन अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी सबसे पहले न्यूज़ में कि नेदरलैंड की क्वीन क्वीन मैक्सिमा शी इज इन इंडिया

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना अटल पेंशन योजना सुकन्या समृद्धि स्कीम हमारे पास है वय वंदना योजना हमारे पास है सो वी हैव मल्टीपल स्कीम्स जहां पे हम फिनेंशियली लोगों को जोड़ना चाहते हैं केवल बैंक में अकाउंट बनाना इज नॉट द ओनली फाइनेंशियल इंक्लूजन इंश्योरेंसेस प्रोवाइड करना पेंशन प्रोवाइड करना या बाकी फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करना वो भी फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट होता है तो मैम ने रिव्यू लिया ईयर ईयर ऑन रिव्यू होता है कि भाई कौन सी बैंक कैसे परफॉर्म कर रही है तो इस रिव्यू में यह पता चला कि बैंक ऑफ बड़ौदा कैनरा बैंक यूनियन बैंक दे आर परफॉर्मिंग वंडरफुली इस साल बहुत अच्छा परफॉर्म किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एंड द इंडियन बैंक इन्होंने काफी आ, बेटर परफॉर्मेंस नहीं दिखाया ऐसा निर्मला जी का रिव्यू रिपोर्ट कहता है ध्यान रखिएगा अगेन द बेस्ट बैंक और worst बैंक ऐसी कोई रैंकिंग यहां पे नहीं होती है बस रिव्यू लेते हैं कि ईयर ऑन ईयर कौन सी बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है कौन सी बैंक ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ रही है फाइनेंशियल इंक्लूजन स्कीम के साथ सो बैंक ऑफ बड़ौदा डीड गुड जॉब ऐसा निर्मला जी का रिपोर्ट कहता है एक और चीज मैं अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको कहा कि वी हैव द प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना तो मुझे एक बात बताइए रिसेंटली जीवन ज्योति बीमा योजना एंड प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के प्रीमियम्स की वैल्यू चेंज हो गई है उसके प्रीमियम्स चेंज हो गए जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में पहले तीन रुपए का प्रीमियम था प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की बात करें तो बारह रुपए का प्रीमियम था और दोनों जगहों पे प्रीमियम के अमाउंट चेंज हो गए हैं जो पे करना पड़ता है वो चेंज हो गए तो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के, के अंदर ट्वेंटी रुपीज हो गया बारह के जगह अभी बीस हो गया एंड प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंदर फोर का प्रीमियम हो गया है तो यहां पर फोर थर्टी सिक्स रुपीज और यहां पे ट्वेंटी रुपीज ये याद रखिएगा क्योंकि किसी भी इंश्योरेंस योजना में आपको थोड़ा बहुत प्रीमियम पे करना पड़ता है और तब जाके आपको इंश्योरेंस के बेनिफिट्स मिलते हैं ध्यान रखिए वो आइर आप पे करोगे या फिर गवर्नमेंट आपके बिहाफ में पे करेगी दैट विल बी द कंसेप्ट ठीक है चलेगा चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड सही आप लोगों ने आंसर किए हुए Uh, बारह पब्लिक सेक्टर बैंक्स है ये अच्छे से ध्यान में रखना लोग यहां पे बड़ी गड़बड़ करते हैं और बड़ी खतरनाक गड़बड़ करते हैं uh, उसके ऊपर कभी बाद में बात करेंगे गड़बड़ क्या होती है एनीवेज रोड रोडमैप फॉर इंडिया एट हंड्रेड वाज रिलीज बाय इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है इंपॉर्टेंट न्यूज क्यों है स्पेशली फॉर दिस रीजन ईएससीपीएम इस रीजन से न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये ईएससीपीएम क्या है इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर 2017 में मोदी साहब ने अपनी खुद की इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर क्रिएट की बिबेक बेब्रॉय विवेक देब्रॉय नाम याद रखना नहीं तो विवेक ओबरॉय पे चले जाओगे यस yes, बहुत लोग ये गड़बड़ करते बड़ी ही कॉमन मिस्टेक है पर थोड़ा दिमाग भी नहीं लगाते कि भाई गवर्नमेंट किसे हायर करेगी एज ए इकोनॉमिक एडवाइजर ठीक है सो so, विवेक देब्रॉय उनका नाम है याद रखिएगा तो विवेक देब्रॉय साहब इज द हेड ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम मिनिस्टर इस काउंसिल के अंदर संजू सन्याल सर भी काम करते हैं संजू सन्याल ये नाम शायद आपने सुना होगा इस बार का इकोनॉमिक सर्वे संजू सन्याल सर ने क्रिएट किया अशीमा गोयल मैम आपने नाम सुना है मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी की मेंबर है अशीमा गोयल मैम ये भी इस काउंसिल में काम कर चुकी है सो आ, इस काउंसिल में बड़े फेमस फेमस इकोनॉमिस्ट होते हैं जो पीएम साहब को एडवाइस करते हैं अलग अलग चीजों के लेके तो इन्होंने एक एक रिपोर्ट रिलीज किया रिपोर्ट का नाम है इंडिया एट हंड्रेड इंडिया हंड्रेड पे कैसा दिखना चाहिए सौ साल जब देश को हो जाएंगे तो देश कैसे दिखना चाहिए किया द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिव ये गुरुग्राम बेस्ट इंस्टीट्यूट है इनके द्वारा ये रिपोर्ट क्रिएट किया गया इसमें का भी रोल है Uh, इस रिपोर्ट को क्रिएट करने के लिए ध्यान दीजिएगा मिचेल पॉर्टर इनका बहुत बड़ा रोल है मिचेल पॉर्टर के अलावा अमित कपूर साहब भी यहां पे बहुत uh, बड़ा रोल प्ले कर चुके हैं देन यस क्रिश्चियन केटल्स फ्रॉम द हार्वर्ड बिजनेस स्कूल ये भी यहां पे थे तो हार्वर्ड बिजनेस स्कूल द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉम्पिटेटिवनेस इनके द्वारा ये रिपोर्ट क्रिएट किया गया रिपोर्ट है कि इंडिया सौ सब साल का हो जाएगा तो किस तरीके से दिखना चाहिए इकोनॉमिकली क्या डेवलपमेंट देश के अंदर होने चाहिए ये मेन पॉइंट है अब यहां पे देखिए द विवेक देबरॉय साहब यहां के रतन वटाल साहब भी यहां पे होते हैं सुरजीत भल्ला साहब ये पार्ट टाइम मेंबर है पार्ट टाइम या फुल टाइम मेंबर नहीं है पर विबेक देबरॉय रतन बटाल दे आर द फुल टाइम मेंबर्स अशीमा गोयल मैम यहां पे आपको दिख रही होगी शी इज ऑल्सो पार्ट टाइम मेंबर शी इज नॉट द फुल टाइम मेंबर वो तो मोनिटरी पॉलिसी की भी मेंबर है तो यहां पे थोड़ा ध्यान रखेगा इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू प्राइम बारे में ना एक दो बात मैं आपके साथ करना चाहूंगा uh, वैसे इस की शुरुआत ना 2014 में हुई थी 2014 में सबसे पहली बार ये काउंसिल क्रिएट की गई थी मनमोहन सिंह साहब के द्वारा दो में इन्होंने एक कल्चर की शुरुआत की है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को इकोनॉमिकल चीजों पर एडवाइस करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाए जो जहां पे इकोनॉमिस्ट रहेंगे और जो पीएम साहब को एडवाइस करेंगे अलग अलग चीजों पे। बाद में मनमोहन सिंह साहब की गवर्नमेंट चलेगी फिर मोदी साहब आ गए एंड 2017 मोदी साहब ने सेम कंसेप्ट इंप्लीमेंट किया बस इसमें आ, थोड़े मेंबर्स बढ़ा दिए फुल टाइम मेंबर्स रखे पार्ट टाइम मेंबर्स रखे और विवेक देब्रॉय साहब जो नीति आयोग के भी मेंबर है उनको बोला कि आप इसके हेड बन जाइए और आप इसको संभालिए ये एग्जीक्यूटिव बॉडी है ये कोई पार्लियामेंट के परमिशन से बनी हुई या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है एग्जीक्यूटिव बॉडी है इसका चयन इसका अपॉइंटमेंट इसका टेन्य सब गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा और वो फिक्स नहीं होता है वो कभी भी किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं सो देर इज नो फिक्स टेन्यूअर फॉर इट तो इसके टेन्यूर को पढ़ने के लिए टाइम बर्बाद मत करना है तो गूगल पे ढूंढते बैठोगे टेन्यूर ऑफ द ई एस सी पी एम सो अनिल आप कंफ्यूजे बिकॉज अलग जगह पे अलग अलग आंसर मिलने वाले सो ई एस सी पी एम के अंदर जो होता है वो सब कुछ गवर्नमेंट पे डिपेंड करेगा कि उनको कब किसको हटाना है और कब किसको रखना है याद रखिए ठीक है तो ये है चीज रिगार्डिंग दिस इंस्टीट्यूशन uh, आगे बढ़ते हैं और एक न्यूज है हमारे पास वो न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिएगा आफ्टर लू लू इन ट्वेंटी इकोनॉमिक ऑफेंसेस वेंट अप अपीन परसेंट इन ट्वेंटी वन वॉट इज द मीनिंग ऑफ दिस इसका मीनिंग क्या है वट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड यहां से शुरुआत हो सकती है कि सर इसका मीनिंग क्या होता है 2020 में जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस हुआ करते थे जो फ्रॉड होते थे स्कैम्स होते थे वो स्कैम्स कंपेरिटिवली कम थे 2021 में स्कैम्स बढ़ गए हैं और फ्रॉड बढ़ गए तो लूल का मतलब इट वाज बिट लो थोड़ा कम था अब वापस स्कैम एक बार बढ़ गए इकोनॉमिकल फ्रॉड एक बार बढ़ गए इंडिया के अंदर ऐसा इनका कहना है नाउ द सीन इज दैट अगर बात करें यहां पे uh, इन चीजों के ऊपर अगर डिस्कशन करें तो स्पेशली द स्टेट्स लाइक राजस्थान के स्टेट लाइक राजस्थान दूसरा सेकंड नंबर पे तेलंगाना थर्ड नंबर पे यूपी देन महाराष्ट्र एंड देन आसाम इन स्टेट्स में सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल फ्रॉड्स देखने को मिलते हैं फ्रॉड्स होते हैं यहां के लोग करते ऐसा नहीं बोला गया इकोनॉमिक फ्रॉड्स की केसेस सबसे ज्यादा राजस्थान से आती है तेलंगाना से यूपी से महाराष्ट्र से आसाम से ये फ्रॉड करता कौन है इट कैन बी वेरी नंबर ऑफ पीपल बट फ्रॉड जिनके साथ होता है वो मैक्सिमम परसेंटेज राजस्थान तेलंगाना यूपी महाराष्ट्र और आसाम से देखने को मिलता है तो इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसीलिए आरबीआई और बैंक बार 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 एडवर्टाइजमेंट्स के थ्रू इंफॉर्मेशन शेयर करती है इवन अगर आजकल आपने ऑब्जर्व किया होगा जो आई ऑफिसर्स है या जो आईपीएस ऑफिसर्स है वो भी अपने सोशल मीडिया के चैनल्स के थ्रू वो एडवर्टाइजमेंट शेयर करते हैं कि कुछ मैसेजेस जब आपको आएंगे तो उनको प्लीज क्लिक मत कीजिए उनके ऊपर मत जाइए कल भी हमने आरबीआई की एक न्यूज देखी थी कि आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक अलग से डेटा क्रिएट कर रही है कि जितने भी फ्रॉड वेबसाइट है जितने भी फ्रॉड फोन नंबर है उनका अलग से डेटा बनाया जाएगा इंडिया में कितना भी बताइए पर स्टिल लोग इतने ही इनोसेंट होते इनोसेंट होते इनोसेंट कहे या फिर उनको बेवकूफ कहे नहीं पता अब वो लोगों पे डिपेंड करता है किसी को बेवकूफ कहे तो बहुत बुरा लग जाता है तो हम कहेंगे इनोसेंट है ठीक है कि यार इतनी भी समझ नहीं आती है कि कहां पे क्या करना चाहिए अपने अपने खुद के अकाउंट की इंफॉर्मेशन घर वालों से छुपा के रखेंगे पर किसी अननोन कॉलर को बताएंगे कि हाँ बेटा ये ले मेरा ओटीपी टीपी हाँ बेटा ये ले मेरा सीवीवी नंबर अरे थोड़ा तो ध्यान रखो किससे क्या शेयर करना है और गवर्नमेंट बार बार बताती है ना परसों की बात है एक बुजुर्ग थे वही ऐसे एटीएम में थे एटीएम का गार्ड उनको बता रहा था कि सर आप ये शेयर मत कीजिए आप शांति से इसको कीजिए बोले गवर्नमेंट बार बार बताती है यहां पे लिखा भी है बोले ये तो कुछ भी लिखते हैं मैंने व्हाट्सएप के मैसेज पे पढ़ा कि ऐसा कुछ नहीं होता उनको व्हाट्सएप के मैसेज पे ट्रस्ट है पर उनको गवर्नमेंट के लिखे हुए हो उस होल्डिंग पे ट्रस्ट नहीं है आप भी ध्यान रखिएगा ये बहुत बड़ा पॉइंट है क्योंकि डिजिटल बैंकिंग ये इसी चीज पर डिपेंडेंट है और इसीलिए हमारे आरबीआई गवर्नर ने भी कहा था द बिगेस्ट रिस्क राइट नाउ फॉर द बैंकिंग सेक्टर इज अबाउट द फ्रॉड सबसे बड़ा रिस्क फ्रॉड है तो उससे

अगर पूरे देश के महंगाई की बात करें तो देश का जो एवरेज है महंगाई का महंगाई का जो एवरेज है वो 6.79 परसेंट चल रहा है एवरेज अगर पूरे स्टेट्स की महंगाई का अगर मैं एवरेज निकालू तो 6.79 परसेंट चल रहा है के में सीपीआई इंडेक्स के भरोसे अलग अलग स्टेट का डेटा कलेक्ट किया गया और उस डेटा का एवरेज निकाला है और वही एवरेज यहां पे मेंशन किया गया कि महंगाई 6.79 परसेंट है सबसे ज्यादा महंगाई कहां देखने को मिलती है तो सबसे ज्यादा महंगाई यहां पे देखने को मिल रही है द स्टेट ऑफ यहाँ पे लिखा था जैसे स्टेट ऑफ तेलंगाना 8.32 परसेंट इन्फ्लेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है तेलंगाना uh, uh, के अलावा देर आर स्टेट्स स्टेट लाइक एक मिनट यहाँ पे यस वेस्ट बंगाल एज वेल एज सिक्किम यहाँ पे भी इन्फ्लेशन आठ से ज्यादा है 8 से ज्यादा नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि इन्फ्लेशन शुड बी

महाराष्ट्र राजस्थान आ, इवन द उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आसाम जम्मू एंड कश्मीर यहां पे भी मोर देन सेवन परसेंट है अगर लेस देन मीन्स कंट्रोल की बात की जाए तो केरला आप यहां पे केरला को देखिए केवल फोर पॉइंट एट टू परसेंट केरला के अंदर है तमिलनाडु स्टेट ऑफ ओडिशा कर्नाटका तो यहाँ पे इन्फ्लेशन काफी ज़्यादा ही, ही है बट ये अगर आप नीचे के तीन स्टेट देखिए यहाँ पे इन्फ्लेशन काफी कंट्रोल्ड एंगल में देखने को मिल रहा है स्पेशली केरला विच इज अ वेरी कमेंडेबल जॉब नो डाउट अबाउट दैट तो रिस्पेक्ट टू स्टेट को भी उतना ड्यू uh, रिस्पेक्ट देना जरूरी है रिगार्डिंग सच काइंड ऑफ डेटा यस क्वेश्चन यहां पे आते हैं लास्ट ईयर भी ऐसे डेटा को लेके क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार भी पूछे जा सकते हैं थोड़ा ध्यान रखेगा पर ये क्वेश्चन लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है अगर अभी आपकी कोई एग्जाम आने वाली होगी जैसे आरआरबी की एग्जाम्स है, आरआरबी की मेंस एग्जाम्स है, वहां पे ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा आईबीपीएस क्लर्क का एग्जाम है तो वहां पे ये शायद क्वेश्चन आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है ध्यान रखेगा नेक्स्ट नेक्स्ट न्यूज इज वेरी इजी आई का जूप नाम का एक ऐप है

जहां पे आप ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हो तो आपका जो भी सीट नंबर है वहां तक आपको खाना मिल जाएगा वहां पे आपको खाना प्रोवाइड हो जाएगा तो इनका टाइप हुआ है आईआरसी 1999 में क्रिएट किया गया जल्दी से कमेंट सेक्शन में यह बताइए कि आई की हेड कौन है इंचार्ज कौन है, है इंचार्ज जल्दी से उनका नाम कमेंट सेक्शन में डाल दीजिएगा अगेन दिस टाइप इज बिटवीन ज़ूप एंड द हैप्टिक। हैप्टिक इज़ द मुंबई बेस्ड कंपनी जिसको टेक ओवर कर लिया है रिलायंस इंडस्ट्रीज ने रिलायंस के अंडर यह हैप्टिक काम करती है ध्यान रखिएगा uh, <coughs> यस yes, जल्दी से बता दीजिएगा दोस्तों की कौन है आई आर की हेड यस yes, रजनी, yes, रज, रजनी हसीजा मैम यस रजनी हसीजा मैम की बात करेंगे शी इज द हेड ऑफ आई ठीक है तो यहां पे रियल टाइम ट्रैकिंग भी हो सकती है पीएनआर नंबर के भरोसे आपको अपना ऑर्डर आप प्लेस कर सकते हो और आपका खाना डिलीवर हो जाएगा तो यहां पे आपको कोई ऐप आप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है यहां पे आईआरसीटीसी सी एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज मिलके आपके बर्थ तक आपको खाना पहुंचा देगी साथ में इनका व्हाट्सअप का चैट भी है नेम इज जीवा जहाँ पे अगर आपको आ, कुछ इश्यूज होंगे कुछ कंप्लेंट्स डालनी होगी या अगर आपको कुछ कुछ डिस्कशन करना होगा तो आप इस जीवा चैट बोर्ड के थ्रू आप सारे डिस्कशंस कर भी सकते हैं तो ये जीवा चैट बोर्ड याद रखना आई ने क्रिएट किया हुआ है फॉर द पैसेंजर्स डिपेंडिंग ऑन द पी एन आर नंबर आपकी सारी सुविधाएं आपको मिल जाएगी दैट्स रियली वेरी गुड एंड इंटरेस्टिंग थिंग डन बाई दिज टू इंस्टीट्यूशंस नेक्स्ट एक और न्यूज है यहां पे भी व्हाट्सअप है और यहां पे भी रिलायंस है व्हाट्सएप और रिलायंस यहां पे भी है बट यहां पे जियो मार्ट की बात हो रही है जियो मार्ट इज अंडर द लीडरशिप ऑफ ईशा अंबानी आपने रिसेंटली देखा होगा रिलायंस का मीटिंग हुआ रिसेंटली तो वहां पे अनाउंस किया गया कि जियो टेलीकॉम की बात करें तो गोस टू द आकाश अंबानी जियो मार्ट की बात करें रिटेल बिजनेस की बात करें तो ईशा अंबानी और एनर्जी की बात की जाए रिलायंस एनर्जीज तो अनंत अंबानी तो ये तीन लीडर्स ऑलरेडी मुकेश साहब ने तय कर लिए कि बच्चों में झगड़े नहीं होने चाहिए तो उनके पास तीन बड़े बड़े बिजनेस दे दिए भैया आप संभालते बैठिए तो जियो जियो मार्ट और फेसबुक का 2020 में टाइप हुआ था तब मेटा नाम नहीं था फेसबुक का के तब फेसबुक नाम से ही वो अथॉरिटी काम कर रही थी तो जियो मार्ट एंडा यूज करूंगा टाइप हुआ था दो हजार में टाइप यह था कि 9.99% पॉइंट नाइन परसेंट शेयर फेसबुक ने या मेटा ने जियो के अंदर लिए हुए तो जियो के अंदर 9.99% पॉइंट परसेंट शेयर ये मेटा के, के है फेसबुक के है और 2020 में ही मुकेश अंबानी साहब ने अनाउंसमेंट किया था कि जियो मार्ट और व्हाट्सएप मिलकर काम करेगा जियो मार्ट के जो भी ऑर्डर है वो फ्यूचर में व्हाट्सएप के थ्रू आप दे सकते हो अभी ऑल ओवर इंडिया ये स्टार्ट हो चुका है पहले केवल कुछ रीजन में पायलट बेसिस पे चल रहा था अब ऑल ओवर तो यहां पे व्हाट्सएप का टाइप है जियो मार्ट के साथ तो आप व्हाट्सएप के थ्रू भी ऑर्डर प्लेस कर सकते हो और यह भी ऑल ओवर इंडिया ऑफिशियली स्टार्ट हो गया अभी तक भी चल रहा था कुछ जगहों पे बट एज अ पायलट बेसिस पे अगेन व्हाई देर इज व्हाट्सएप बिकॉज व्हाट्सएप कम्स अंडर मेटा मेटा के अंदर आता है मेटा उसका प्रीवियस नेम था तो उनमें 9.99 पॉइंट परसेंट शेयर खरीद के रखे हुए तो ऑब्वियसली दोनों मिलके काम करेंगे तो यही पॉइंट यहां पर ध्यान रखिए सो ईशा अंबानी शी इज द हेड ऑफ द जियो मार्ट और द जियो रिटेल जितना भी है वो ईशा अंबानी जी के पास है दैट विल बी द न्यूज दैट सेट या नेक्स्ट न्यूज की तरफ जाते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है सेकेंड ऑफ सितंबर सेकेंड सितंबर को मोदी साहब जाने वाले हैं आईएनएस uh, विक्रांत जो हमारा पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर है वो नेवी को सुपुर्द करने के लिए ये हम सबको बताएं उसी वक्त में मोदी साहब इंडियन नेवी का नया इंसिग्निया आ, लाने वाले इंसिग्निया का मतलब है नॉर्मली निशान होता है जैसे ये उनका फ्लैग है आपने नेवी का फ्लैग देखा होगा पर इस फ्लैग में आपको इंग्लैंड के फ्लैग की झलकी भी दिखाई देती है क्योंकि जब देखिए मैं आपको बता देता हूं जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो 1947 से 1950 तक ये हमारे नेवी का इंसिग्निया था ये हमारा उसका फ्लैग था 1950 से 2001 तक इस तरीके से था 2001 से 2004 हमने थोड़ा चेंज किया था 2004 से 2014 हम यहां पे आ गए यहां पे फिर इंडियन गवर्नमेंट का यहां पे एम्बलम डाल दिया सेम 2014 से अभी तक तो अभी हमें ये फ्लैग चेंज करना है तो सेकेंड ऑफ सेप्टेम्बर को मोदी साहब नया इंसिग्निया नेवी का हमारे सामने रखेंगे तो नया इंसिग्निया क्या हमें फिलहाल नहीं पता पर ये अनाउंसमेंट किया गया नेवी के द्वारा कि मोदी साहब के हाथों से ये जो कॉलोनियल uh, हिस्ट्री थी मीन अंग्रेजों की कॉलोनी हमारे पास थी उन्होंने रॉयल नेवी ऑफ इंडिया ऐसा कंसेप्ट क्रिएट किया था और अभी भी हम उनका फ्लैग कहीं ना कहीं यूज करते हैं तो इसको चेंज करना बहुत जरूरी है एंड दैट्स वाय देखते क्या होगा देखिए दे आर चेंजिंग द इनसेग्निया दैट इज अज आई एन एस विक्रांत दैट इज अनादर न्यूज दोनों न्यूज बहुत बड़ी है और दोनों न्यूज के ऊपर वापस एक बार थर्ड सप्टेबर को बात करेंगे थर्ड सप्टेबर बिकॉज सेकंड सप्टेबर को uh, वो दोनों चीजें इंप्लीमेंट होगी बीस हजार करोड़ की लागत में हमने विक्रांत क्रिएट किया हुआ है इंडिया का पहला इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट कैरियर कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा उसे बनाया गया है हमारे पास आई एन एस विक्रमादित्य भी है पर आई एन एस विक्रमादित्य ये हमने रशिया से लिया हुआ है रशिया से हमने उसको लाया था और हमने उसे इंडिया में थोड़ी मरम्मत कर दी और नाम रखा आई एन एस विक्रमादित्य विक्रमादित्य इज ऑल्सो एयरक्राफ्ट कैरियर और उसका ओरिजिनल नाम है एडमिरल गश और इंडिया में नाम रखा गया विक्रमादित्य और ये विक्रांत चलो मैं आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट न्यूज इज वेरी वेरी सिंपल नॉट दैट डिफिकल्ट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन बिटवीन द नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड एंड द कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी कटरा डेवलपमेंट अथॉरिटी वैष्णो देवी वैष्णो देवी बहुत सारे श्रद्धालु जाते हैं तो आपने वो एरिया देखा कभी अगर आप भी गए होंगे तो वहीं से गुजरना पड़ता है तो उसके डेवलपमेंट के लिए बेसिकली वैष्णो देवी की जो यात्रा है वहां पे जो श्रद्धालु जाते हैं उसको उस एरिया को डेवलप करने के लिए लॉजिस्टिकली या ट्रांसपोर्ट वाइज इसलिए रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड के साथ यहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ यहां पे आप गडकरी साहब को देख सकते हो कि मनोज सिन्हा सर भी यहां पे है वीके सिंह सर भी यहां पे है जो गडकरी साहब के मिनिस्ट्री के अंडर काम करते हैं तो यहां पे एग्रीमेंट साइन हुआ सो so दैट जो भी uh, पिलग्रिम्स जो भी श्रद्धालु वैष्णो देवी माता के टेम्पल को विजिट करते हैं यहाँ पे थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके यहाँ पे थोड़ी चीजें थोड़ी बेटर तरीके से वर्क कर सके बड़ा अच्छा है और ये चीजें होनी भी चाहिए नो डाउट अबाउट दैट अगेन नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंडर नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड काम करता है Uh, इसको कोचिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड भी कहते हैं तो प्रीवियसली इट वाज कॉल्ड कोचिन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड नेम चेंज्ड टू द नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट लिमिटेड दैट इज़ द न्यूज यस अब ये बहुत यूनिक न्यूज है नॉर्मली uh, अभी कुछ दिनों पहले आपने न्यूज देखी होगी कि आईसीसी ने जो भी भी इंडिया की मैचेस है उन सब का टीवी ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट डिज्नी स्टार को दे दिया था कि भाई ये आपके पास कॉन्ट्रैक्ट रहेगा जितना भी टीवी का ब्रॉडकास्टिंग का कॉन्ट्रैक्ट था वो डिज्नी स्टार को दे दिया रिगार्डिंग जितनी भी इंडिया की इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस होगी डिज्नी स्टार ने क्या किया उसका सब लाइसेंस मींस आईसीसी ने इनको लाइसेंस दिया कि आप दिखा सकते हो टीवी पे एज वेल एज डिजिटली हॉटस्टार पे हॉट स्टार पे ही मैचेस दिखेगी पर टीवी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो डिज्नी स्टार ने दे दिया है जी मीडिया को तो अगर आपको अभी टीवी पे मैचेस देखनी है इंडिया की तो अभी वो मैचेस जी पे दिखाई देगी फ्यूचर में ऑब्वियसली जी पे दिखाई देगी एक्चुअली ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट इनके पास है इन्होंने इसे सब लाइसेंसिंग किया है कि टीवी वाला जी दिखा देगा और डिजिटल ये डिजनी स्टार के पास ही रहेगा सो स्टार इज वेरी मच फोकस्ड ऑन देयर डिजिटल ब्रॉडकास्टिंग हॉटस्टार पे काफी फोकस कर रहा है और टीवी का सारा कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने जी को दे दिया ये पहली बार हुआ है दिस फॉर द फर्स्ट टाइम इन अवर कंट्री इवन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द होल क्रिकेट वर्ल्ड क्रिकेट वर्ल्ड में पहली बार हुआ है कि जिनको ओरिजिनल लाइसेंस मिला उन्होंने वो लाइसेंस सब लाइसेंस कर दिया किसी और को तो 1.5 टू 1.6 बिलियन में ये कॉन्ट्रैक्ट जी को दिया है डिज्नी स्टार ने क्या ऐसा अलाउड है जी हाँ ऐसा अलाउड है उसमें कोई दिक्कत नहीं आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली हॉटस्टार के हाथ से चला गया था आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट वाईकॉम 18 के पास चला गया वाईकॉम 18 उनके पास आईपीएल का कॉन्ट्रैक्ट चला गया उसके बाद थोड़ा सा हॉटस्टार डिज्नी स्टार थोड़ा सा लाइक

कि आप रखिए अपने पास और जो उनका डिजिटल है वो डिज्नी स्टार ही दिखाएगा हॉट स्टार ही दिखाएगा दैट इज यूनिक न्यूज ये बहुत बड़ा है जी को एक्चुअली एक बड़ा अच्छा चांस मिल गया अपने आप में जान फूकने का जी की हालत बड़ी खराब हो रही थी नाउ जी विल गेट सम ब्रीथिंग पॉइंट दैट्स इट यस yes, बड़े फेमस इकोनॉमिस्ट है अभिजीत सेन सर उनका देहांत हो गया यस हीज अ इकोनॉमिस्ट एंड वेरी वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट ही वाज अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट नो डाउट प्लानिंग कमीशन 2004 से लेके 2014 तक ये प्लानिंग कमीशन के मेंबर थे इवन जो हम लोग बात करते हैं ना पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस सिस्टम या फिर आपने देखा होगा कि आ, अनाज को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं राइस के दाम क्या रहेंगे इन सारे कमिटीज़ में इनका बहुत बड़ा रोल है अभिजीत सेन वेरी वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट थैंकफुली एक बार इनका लेक्चर uh, अटेंड करने का मौका मिला था बड़े अमेजिंग और बड़े फेमस भी थे। ऑफ़ द पॉलिटिकल पार्टी, ही वाज़ ऑलवेज़ फेवर्ड टू हैंडल सम कमिटी। तो 2014 में इन्होंने, 2014-15 में इन्होंने राइस के प्राइसिंग को लेके, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेके कमेटी को हेड किया था उसके पहले ये प्लानिंग कमीशन के हेड थे इनका रिसेंटली हार्ट अटैक से देहांत हो गया तो यस ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जे से जे के अंदर भी ये प्रोफेसर थे एंड आफ्टर दैट ही वॉज अपॉइंटेड हेड ऑफ द एग्रीकल्चरल कमिटी एज वेल एज ही वर्क विद द एशियन डेवलपमेंट बैंक ओ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल फंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट दो हजार दस में इनको पद्म भूषण अवार्ड से भी नवाजा गया था वन ऑफ द वेरी फेमस इकोनॉमि इन ऑफ द पोलिटिकल पार्टी ही वॉज ऑलवेज फेवर्ड बाई दिफरेंट काइंड ऑफ अपॉइंटमेंट ध्यान रखिए आगे बढ़ते नाउ न्यूज दईरपोर्ट बिकम द फिफ्थ बिजिएस्ट इन द कंट्री न्यूज द हिंदू की है द so, हिंदू ने चेन्नई के एंगल में न्यूज को प्रिंट किया पर हमें वो न्यूज देखनी है सारे एयरपोर्ट्स के एंगल में कि इंडिया में सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट कौन सा है नन अदर देन इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली सेकंड नंबर पे मुंबई एयरपोर्ट आता है छत्रपति शिवाजी देन uh, बेंगलुरु एयरपोर्ट की बात करें कैंपा एयरपोर्ट हैदराबाद एयरपोर्ट की बात करते हैं राजीव गांधी एयरपोर्ट देन चेन्नई एयरपोर्ट एंड देन कोलकाता एयरपोर्ट आते हैं तो सबसे बिजिएस्ट एयरपोर्ट का यहाँ पे रैंकिंग है जस्ट लाइक कैन आज इन सम्जाम कभी कभी पूछ लेते हैं जस्ट फॉर योर नॉलेज मे जून एंड जुलाई तीनों मंथ का डेटा यहां पे सो एयरपोर्ट इन इंडिया अगर किसी ने पूछा तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट न्यू दिल्ली याद रखेगा असाइनमेंट uh, uh, देख लेते हैं <clears throat> कल का लेक्चर थोड़ा अलग रहेगा कल के लेक्चर में थोड़ा सा अलग तरीके से आपके सामने प्रेजेंट करेंगे पर पहले आज का असाइनमेंट देख लीजिए और असाइनमेंट के आंसर्स लेक्चर के बाद कमेंट सेक्शन में डालना मत भूलेगा प्रधानमंत्री जनधन योजना हैज कंप्लीटेड एट इयर्स इट इज लॉन्च वेन एंड व्हाट इज द ओवरड्राफ्ट लिमिट अंडर द स्कीम ओवरड्राफ्ट लिमिट क्या है कल भी मैंने आपको बताया था विच ऑफ द

Yes, थोड़ी देर से और मुलाकात होगी बिकॉज एक स्पेशल एक सेशन रखा हुआ है हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को लेके, तो उस सेशन को अटेंड करना मत भूलेगा तो मिलते हैं थोड़ी देर से तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर